ఇక్కడ ఆఖరి బాల్ खाई जा खाई जा बेटे खा मेरी मजे खा मेरी मज खा रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत है? तबीयत से ठीक है? आज माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन है, जुमातुल मुबारक का दिन है। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चले अभी तो मैं अपने घर हूँ और अभी मैं निकलने लगा हूँ अपनी दुकान शॉप के लिए। तो अब मैं अपनी शॉप के लिए निकलने लगा हूँ। आज मेरे पास बाइक तो नहीं है पर पैदल मैं जाने लगा हूँ। चले आज आपको रास्ते की बताते चलते हैं, पैदल जाना आज तो, इसलिए हम अपने पैदल वॉक करते चलते हैं आज। ये मैं अभी रास्ते में, ये सामने मेरा स्कूल है जिसमें मैंने 6, 7, 8 मैट्रिक की है। इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिला तो ज़रूर आपने मैं आपके अपने स्कूल का विज़िट करवाऊँगा। अभी काफ़ी मेरे जो टीचर थे वो चले गए, कुछ हैं। ये मेरा स्कूल है, ये पानी वाली टंकी है। और देखो डोगर साहब बैठे हुए हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ये मेरे स्कूल की बिल्डिंग है, देखते हैं, देखने के साथ ही वो दिन याद आ गए हैं। चीज़ दिखाना, ये मेरे बाइक साइड पर जो मस्जिद देख रहे हैं आप, दीपालपुर की आन व शान साईं अब्दुल रज़ाक का दरबार है। मैं आपको ये बाइक से भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये पीछे दरबार गुजर गया, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी, इसका भी आपको सारा विजिट करवाऊँगा। ये हमारी दीपालपुर की आन व शान का मज़ार है, बहुत ही पुराना इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा दरबार है। आपको इंशाल्लाह वो भी सारा कुछ विज़िट करवाऊँगा, अंदर से भी बाहर से भी। सामने मैं अपनी दुकान पर पहुँच गया हूँ, देखें ये बस, ये मैं पहुँच गया हूँ। ये सामने भाई साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? ये मैं दुकान पर पहुँच गया हूँ। शराज भाई पंखा चला दो यार, गर्मी लग रही है यार, बाहर से आया हूँ यार, चला दो, आपकी मेहरबानी होगी। अरे शुक्र है ये पंखा चल गया हमारा, क्योंकि बाहर से आया हूँ चलकर तो बहुत गर्मी लग रही है। तो भाई शराज से बहुत रिक्वेस्ट की है कि भाई पंखा चला दो यार, क्योंकि सर्दी आ गई आजकल, तो पंखा वैसे ही पंखे के बगैर गुजारा हो जाता है, लेकिन बाहर से आया तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बोल दिया यार जाकर डाक लेकर आओ लैपटॉप से। तो अब मेरी बाइक तो नहीं है, तो मैं हाजी साहब, हाजी मजे साहब बैठे हूँ, मैं इनसे इनकी बाइक मांगता हूँ। हाजी साहब की तो मोटरसाइकिल नहीं है, ये अल्ताफ़ भाई से पूछते हैं। अल्ताफ़ भाई भी मेरे ख्याल से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मोटरसाइकिल खड़ी है आपकी? नहीं खड़ी, नहीं खड़ी, इनकी भी बाइक नहीं है। तो अब पापा का वेट होगा, पापा आएँगे तो हम जाएँगे। बाइक देखो, देखो सामने पापा, पापा जी बाइक तो ले आए हैं, चलो अभी इस पर हम जाएंगे। कोरियर दफ्तर पहुंच गया, अभी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, ये डाक, ये हमारी डाक मिल गई है। मैं इसलिए खुद लेने आता हूं क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पर देनी होती है, तो हमें जल्दी चाहिए, इसीलिए फिर हमें खुद आना पड़ता है। अब मैं वापस जाने लगा हूँ। ये मैं अब अपनी दुकान पर ये डाक लेकर आ गया हूँ, ये वाला साहब बैठे हुए हैं। ये लो भाई ये डाक आ गई आपकी, इसे अब आप अनबॉक्सिंग करो, इसको आप उतारो रैपर को इसके अंदर से। तो वाला साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, क्या हाल चाल? हाथ आला है ना ऐसे, हाय हाय करें। ये मेरे डैडी जी हैं, बहुत अच्छे हैं। ये हमारे अब्दुलरहमान भाई, भाई आए हैं, मारो मारो इसे, मारो मुझे भी मारो, काम नहीं है। ये देखिए ये मेरे बड़े भाई हैं, वीडियो बनाओ, ये हमारी वीडियो बनती रहेगी तो हम खुश रहेंगे। अब हम थोड़ा सा रोटी रोटी खाने जा रहे हैं, पेट पूजा करने जा रहे हैं। कैसा फासला? ये तो मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। ये हम बजोक होटल पर पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब, क्या हाल? ठीक हो? तबीयत से ठीक है?
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਲੋ ਟੋਪੀ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰ ਲਈ ਸਹੀ। ਓਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਖਾਈ ਜਾ ਖਾਈ ਜਾ ਬੱਚੇ, ਖਾ ਮੇਰੀ ਮੱਝੇ ਖਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। अब हमारा जुमे का टाइम हो गया तो हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे रियाज भाई हैं। रियाज भाई कैसे हो? बाय बाय। ये रियाज भाई जा रहे हैं, वो देख सकते हैं रियाज भाई जा रहे हैं। तो दरमान भाई तो चले गए हैं वापस, उन्होंने मुझसे पहले मेरे ख्याल जुमा पढ़ लिया था। मैं तो यहाँ पर, अभी टाइम होने वाला है डेढ़ का, वो डेढ़ बजने वाले हैं, जुमा स्टार्ट होने वाला है। तो हम ये सामने मस्जिद है, मस्जिद में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मस्जिद के अंदर महफिल भी आ जाए। मुर्सल को भी नहीं मिली क्योंकि 1,24,000 नबी आए हैं, रसूल नहीं आए। 1,24,000 अंबिया आए हैं, रसूल सिर्फ 313 थे। मुर्सल 4 थे, मुर्सल वो जिसने मुकम्मल किताब मुकम्मल शरीयत नाफिज हुई, शरीयत तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान पाक कुरान मुकद्दस हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुर्सलीन मुर्सल रसूल 313 जिन पे सहीफे नाज़िल हुए, सहाइफ आए, और नबी साहिब शरीयत नहीं होते थे, नबी आपने से पहले शरीयत के तर्जमान और मुबल्लिग होते थे। 1,24,000 नबी आए। एक रवायत में आता है कि 3,21,000 नबी आए। एक रवायत पुरानी किताबों से ये भी मिलती है 5,29,000 नबी आए। लेकिन चूंकि ज्यादा रवायात 1,24,000 की मिलती है, इसलिए जमहूर ने इसी पे इत्तेफाक किया कि 1,24,000 अंबिया अल्लाह करीम ने महफूज फरमाए। जो हुजूर को खूबियाँ मिली, जो मेरे हुजूर को खूबियाँ मिली, वो किसी और नबी को नहीं मिली। एक पहली खूबी जामिल कलामी, मेरे हुजूर अली सलाम को अल्लाह ने ये खास एक वसफ अता फरमाया कि हुजूर छोटी सी बात करके उसमें समंदर बंद कर दिया करते थे। हुजूर के कलाम के अंदर जामियत होती थी, कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू हुजूर का खासा था। आप एक एक छोटा सा फिक्रा बोल के उसके अंदर पूरी किताब का मज़मून बंद कर दिया करते थे। जैसे हुज़ूर की छोटी सी बात अपने हुजम के एतबार से छोटी, फजीलत के एतबार से छोटी नहीं। हुज़ूर की बात अद्दीन व नसीहतुन वो दीन तो खैरख्वाही का नाम है। मेरे हुजूर का फरमाने आली शान, अद्दीन और नसीहतुन, दीन तो खैरख्वाही का नाम है। तेरा दोस्त खैरख्वाह नहीं हो सकता, तेरा दीन तेरा खैरख्वाह है। घरेलू जिंदगी में तेरे खानदान वाले तेरे रिश्तेदार इतने खैरख्वाह नहीं हो सकते। दीन अपने घर के अंदर ले के आ, दीन तेरा खैरख्वाह होगा। आईनी जिंदगी में डोमेस्टिक लाइफ में दीन तेरा खैरख्वाह है, दीन तेरे लिए एक स्पोर्टिव एलिमेंट साबित होगा। दीन खैरख्वाही का नाम है। अपने बिजनेस में दीन को लेके आओ, दीन खैरख्वाही का नाम है। सियासियात में दीन को लेके आओ, दीन खैरख्वाही का नाम है। हुजूर की एक बात के अंदर पूरा दीन आ जाता है कि दीन तो खैरख्वाही का नाम है। ये हुजूर को अल्लाह ने खास खूबी अता फरमाई कि मेरे आका एक छोटी सी बात के अंदर यूं कह दें कि जैसे दरिया को नहीं समंदर को कूजे के अंदर बंद करना, ये मेरे हुजूर की खूबी थी। जामिल कलामी। दूसरा, मेरे हुजूर को ये खूबी अल्लाह ने अता फरमाई, वो क्या? हुजूर की शख्सियत के अंदर इतना रोब व दबदबा था कि काफिर हुजूर के साथ बढ़ते बात करते हुए उनकी टांगें कांपती होती थी। मक्के के बड़े बड़े सरदार हुजूर के सामने बात नहीं कर सकते थे, बल्कि अल्लाह ताला ने हुजूर की शख्सियत के अंदर इतना रोब रखा था
हुजूर जब किसी के साथ मुलाकात करने जाते थे, एक महीने का फासला भी होता था, अल्लाह उस बंदे के दिल पे मेरे हुजूर का रोब डाल दिया करते थे। महान अल्लाह। रोब, आफुलनेस, आफुलनेस, रोब व दबदबा, मेरे हुजूर की शख्सियत के अंदर जहां शफकत और रहमत होंगे। तो वापस आया हूं चाचू शफाक। चाचू जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी? ठीक ठाक चाचू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, बड़े भाई शराज साहब, क्या हाल है? दादा अबू के साथ खेलते हुए टकरे मारता है अंस। हाय, अंस इधर देखो, बाय चा, बाय। इसी के साथ ही आज हक्का हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, और इंशाल्लाह भी मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह।